हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शान है। मैं ऑफलाइन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ दोनों स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इंग्लिश सीखने और सिखाने का एक कंप्लीट और सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस और रिसर्च के दौरान ऐसे स्टूडेंट्स आए जो लिखते पढ़ते समझते भी हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो शुरू से यानी ABCD से सीखना चाहते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए जो बोलते तो हैं लेकिन ग्रामर को लेके डाउट में रहके वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी थ्योरी और रिसर्च के मुताबिक एक नॉन नेटिव या इंडियन स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी भी मतलब रखती है, और वो कॉन्फिडेंस है 5 जरूरी पार्ट्स की। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ग्रामर, स्टाइल, स्टैंडर्ड, वॉइस, पर्सनैलिटी की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो आज हम आफ्टर इन 5 पार्ट्स का फास्ट कोर्स पहुँचाने जा रहे हैं, जिस तरह फास्ट फूड आपको कम टाइम में ज्यादा न्यूट्रिशन देती है। तो चलो पहले करते हैं ग्रामर पार्ट का आज का ये क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैंने क्लियर कर दिए थे। तो मैंने ये भी बताया था कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, कई चीज़ों की कॉन्फिडेंस चाहिए। तो उन सब चीज़ों को लेके हम यहाँ पे आज ग्रामर को टच करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, या टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो है आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो स्पोकन पार्ट के लिए वो सब जानना ज़रूरी नहीं है, तो ये जानना ज़रूरी है। लेकिन कि लैंग्वेज और स्पीच क्या आती है, लैंग्वेज और स्पीच में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए, लैंग्वेज जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि स्पीच जो है वो लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। लैंग्वेज ब्रॉडर टर्म है, हम किसी भी कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन हम सब कम्युनिकेशंस को, सारी कम्युनिकेशंस को स्पीच नहीं कह सकते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज एक ब्रॉडर टर्म है, लैंग्वेज में दो वेराइटीज़ होते हैं, जैसे वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हो गई जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन नॉन वर्बल लैंग्वेज में आप वर्ड्स का यूज़ ज़रूरी नहीं है, वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। तो मैं आप एग्जांपल देता हूँ, अगर गूंगा डंप पर्सन जो है वो बात करता है तो वो नॉन वर्बल लैंग्वेज हो गई, क्योंकि वो हाथों से, सर से, अपने गेस्चर से ना सिग्नल देता है, समझाता है बात को, तो वहाँ पे वो वर्ड्स का यूज़ नहीं करता है ना, तो उस लैंग्वेज को हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, तो जो लैंग्वेज सिम्बल्स कोड्स साइंस में होती है वो भी नॉन वर्बल लैंग्वेज में ही होगी। ठीक है, तो वर्बल लैंग्वेज में वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो स्पीच जो है वो वर्बल लैंग्वेज में ही आएगी, क्योंकि स्पीच में हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो स्पीच होगी। ये बात तो आपको क्लियर ही होगी। ये स्टूडेंट्स, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, एक जुमला लिखते हैं, तो वो भी एक स्पीच ही होगी। ठीक है, और स्पीच हम बड़ा भी कर सकते हैं, हमारी स्पीच में बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो वर्ड्स के फॉर्म में होंगे और सेंटेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसका फुल सेंस होता है, जैसे कि हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा भी होगा। और सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड हम स्टॉप से कर सकते हैं, तो वो एक स्पीच हो सकता है। ठीक है, तो स्पीच बोल चाल हो गई, स्पीच का मतलब हो गया बोल चाल। ठीक है, लैंग्वेज को हम जुबान भी कहते हैं, भाषा भी कहते हैं, और किसी भी कम्युनिकेशन को हम लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन स्पीच हम बोल चाल को ही कहते हैं। लेकिन ग्रामर अगर ट्रीट करता है लैंग्वेज को, तो वो उसको एज स्पीच ही ट्रीट करता है। हमारी लैंग्वेज बेसिकली जो है वो साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे बेसिक साउंड्स, हर लैंग्वेज के बेसिक साउंड्स होते हैं, जैसे टोन्स होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ABCD से स्टार्ट होती है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो जस्ट एज साउंड्स होते हैं, साउंड्स मिलते हैं, वर्ड्स के हिस्से बनाते हैं, जिसको हम सिलेबल भी कहते हैं। सिलेबल जो होता है वो पार्ट ऑफ द वर्ड होता है, वर्ड का हिस्सा होता है जिनसे वर्ड बनते हैं। तो वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, जैसे अगर हम वर्ड गो लेंगे तो इसमें एक ही सिलेबल है, अगर हम वर्ड गोइंग लेंगे तो इसमें दो सिलेबल है। सिलेबल में एक वर्बल होना ज़रूरी है, जैसे गो में ओ एक वर्बल है, और इंग में दो, एक वर्बल आई है, जबकि गो में एक वर्बल अ है। तो वर्बल के साथ कंसोनेंट्स मैच होते हैं, कंसोनेंट्स प्लस वर्बल्स होते हैं, तो वह क्लस्टर बनता है, तो वो सिलेबल बनाता है, यानी पार्ट ऑफ द वर्ड बनाता है, तो वो मिलके एक वर्ड को क्रिएट करता है और वर्ड की मीनिंग बन जाती है। तो सिलेबल की मीनिंग नहीं बनती है, क्योंकि सिलेबल हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे गोइंग का इंग जो था उसको हम खम के साथ भी मिला सकते हैं,
ठीक है या हम उसको डांसिंग के साथ भी मिला सकते हैं तो इस तरह से सिलेबल्स एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन जो कंप्लीट वर्ड होता है जिसको हम क्लोज करते हैं या जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं तो उसकी मीनिंग बन जाती है उसकी मीनिंग होती है तो कुछ वर्ड्स सिंगल सिलेबल के होते हैं कुछ वर्ड्स में दो सिलेबल्स होते हैं कुछ वर्ड में तीन सिलेबल्स होते हैं इस पर मैं आपको स्पेशल क्लास आगे भी दूंगा कि सिलेबल को हम किस तरह से मिलाते हैं किस तरह से स्ट्रेस डालते हैं सिलेबल्स पे और स्ट्रेस टाइमिंग क्या होती है सिलेबल्स की इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पैटर्न होता है स्ट्रेस का उस पर आपको आगे क्लास मिलने वाला तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि वर्ड्स को हम ले करके रहते हैं सेंटेंस में जब हम वर्ड्स फिक्स करते हैं तो एक बात बन जाती है लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी वर्ड्स लैंग्वेज में आते हैं वो कितने तरह के मटेरियल होते हैं कितने तरह के उनकी खासियत होती है वो किस तरह के वर्ड्स होते हैं उसी को हम ग्रामर में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो भी जुमला आप बोलेंगे जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे जितनी भी लैंग्वेज आप थ्रू लाइफ बोलोगे तो उसमें कितने तरह के वर्ड्स आ सकते हैं वो सिर्फ 8 तरह के हैं ग्रामर आपको ये बोलता है कि आपको सिर्फ 8 तरह के वर्ड्स का आइडिया रखना है तो वो किस तरह से हैं उसकी मैं अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करा दूंगा यहाँ पे ये फास्ट कोर्स है फास्ट कोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रामर की कॉन्फिडेंस लेना है इस सीरीज़ में हम कॉन्फिडेंस लेंगे इस सीरीज़ में हम फास्ट कोर्स लेंगे दूसरी सीरीज़ में आपको डिटेल्स में भी देंगे डिटेल्स में आप और भी एनालिसिस कर पाओगे लेकिन यहाँ पे हमने स्पोकन इंग्लिश पे जंप करना है स्पोकन इंग्लिश को टच करना है तो यहाँ पर हमने ग्रामर की कॉन्फिडेंस लेनी है और हमारा कन्फ्यूजन जो है वो आज ही स्कैन करना है वो आज ही दूर करना है दैट्स वाई अभी हम सीखने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किस चीज़ को बोलते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने ग्रामर की कॉन्फिडेंस चाहिए स्टाइल की कॉन्फिडेंस चाहिए स्टैंडर्ड की कॉन्फिडेंस चाहिए एटीट्यूड की कॉन्फिडेंस चाहिए पर्सनैलिटी की कॉन्फिडेंस चाहिए तो यहाँ पर हमें ग्रामर की कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये चीज़ जाना है कि कॉन्फिडेंस ही चाहिए हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है पहले से तो ये कॉन्फिडेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको कॉन्फिडेंस क्यों समझा रहा हूँ कि ग्रामर की कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि ग्रामर के बगैर भी आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हो आप स्पीच कर सकते हो लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि दैट वी आर नॉट ओके विद ग्रामर वी आर नॉट ऑल राइट विद ग्रामर तो यहाँ पर हम उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप कैसे ग्रामर को लेकर अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं कि जबकि आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है डिटेल्स आप बाद में भी सीख सकते हो उस पर मैंने बताया कि हम और भी एक सीरीज देंगे तो यहाँ पर फिर से हम फोकस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी सेंटेंस बात आप बोलती है इंग्लिश में वो एक स्पीच ही बन गई वो एक बोल चाल ही बन गई तो उसमें 8 तरह के वर्ड्स आए जैसे मैंने बताया तो वो 8 तरह के वर्ड्स क्या है दैट इज नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रेपोजिशन इंटरजेक्शन तो ये वर्ड्स आपको क्यों याद रखने और ये क्यों जरूरी है पार्ट एज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्योंकि जब आप कोई भी वर्ड लेते हो लैंग्वेज में तो आपको पता होना चाहिए कि ये एज नाउन हो गया यूज़ किया एज अ प्रोनाउन यूज़ हो गया तो इसके लिए हमें जानना कि नाउन क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा अर्लियर क्लास में पढ़ा ही होगा नाउन नाम हो गया प्रोनाउन नाम के बदले यूज वर्ड होता है ठीक है अभी मैं डिटेल्स में और भी एग्जांपल्स दूंगा फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू में बताता हूं नाउन नाम हो गया प्रोनाउन उसके बदले यूज होता है वर्ब काम एक्शन वर्ड होता है जो काम के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव कोई फीचर डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ की क्वालिटी नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बगैर नहीं रह सकता ना नाउन के साथ ही हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं अभी एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब हमें मॉडिफाई करता है जो फीचर्स होते हैं वर्ब के या एडजेक्टिव के या खुद एडवर्ब के वो कैसे दिखाता है देखिए मैं आपको एक शॉर्ट नोशन देता हूँ एक शॉर्ट आइडिया देता हूँ जिससे आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को याद रख सकते हो एडजेक्टिव आपको कैसा द वर्ड कैसा बताएगा जैसे हम हिंदी में बोलेंगे कैसा एडजेक्टिव आपको कैसा ही बताता है जैसे हम गुड बोलेंगे गुड गुड गर्ल ठीक है गुड बॉय ठीक है तो कैसा लड़का कैसी लड़की तो हम गुड बोलते हैं तो एडवर्ब जो है वो बोलता है कि वो ये एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से है किस तरह से देखो कैसा और किस तरह में फ़र्क है देखो किस तरह वो खेलता है लेकिन जल्दी खेलता है किस तरह खेलता है जल्दी खेलता है वी से प्ले फास्ट राइट तो हम ये भी कह सकते हैं प्ले केयरफुली केयरफुली ठीक है अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि फास्टली बोलें फास्टली पुराना हो गया है मॉडर्न में हम फास्टली बोलते हैं देखिए बहुत सारे एडवर्ब्स जो होते हैं वो ली पे एंड होते हैं उनका लास्ट में ली सिलेबल लगता है तो जहाँ पे हम मॉडर्न इंग्लिश में ली कट कर सकते हैं हम कट करना चाहिए तो फास्टली को हम फास्ट में चेंज कर सकते हैं ली काट सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में केयरफुल तो नहीं लगा सकते हैं ना प्ले केयरफुली आएगा क्योंकि इसमें हम ली नहीं काट सकते हैं शिफ्टेबल नहीं होगा ऑकवर्ड होगा उसके बाद कंजंक्शन है कंजंक्शन दो सेंटेंसेस दो वर्ड्स को मिलाता है जैसे यू एंड मी आप और मैं तो एंड इसमें कंजंक्शन हो गया ठीक है यू आर ए गुड बॉय बट यू ऑलवेज कम लेट आप अच्छे लड़के हो लेकिन आप लेट आते हो तो बट जो है ये मिलाता है यू आर ए गुड बॉय को और यू ऑलवेज कम लेट को तो बट मिलाता है इस तरह बहुत सारे कंजक्शंस हैं आपको आगे आपको वो चीज़ मिल जाएंगी आप और भी वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाओगे उसके बाद प्रपोजिशन है प्रपोजिशन एक सब्जेक्ट और सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा है उसके बीच में रिलेशन बनाता है जैसे आप गार्डन में काम करते हो तो यू वर्क इन ए गार्डन ठीक है आप और गार्डन के बीच में जो रिश्ता है वो इन बनाता है यहाँ पे यू वर्क इन ए गार्डन तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर एग्जामिनेशन आप हमेशा अपने एग्जाम के बारे में सोचते रहते हो के बारे में के मुतलिक तो अबाउट भी प्रपोजिशन बन गया
नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है दैट्स इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो किसी भी इमोशंस को, फीलिंग्स को, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, या जहाँ पे आपको हैरानगी महसूस होती है, जिस वर्ड में आपको हैरानगी महसूस होती है, या जो इमोजी होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, जैसे आप हैरानगी के टाइम द वर्ड वो यूज़ करते हैं. लेकिन इंटरजेक्शन मार्क जरूरी है, ये वर्ड के लास्ट में होना चाहिए, और जो सेंटेंस उसके साथ आप अटैच रखते हो, जोड़ते हो, जैसे आप लिखते हो सिंपली ओ माई गॉड, तो ओ फिर भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो, या लास्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, या ओ ही वॉन द प्राइज, ओ माई फ्रेंड वॉन द प्राइज, या ओ ही वॉन द प्राइज, ओ उसने इनाम को जीता, तो ये इसमें हैरानगी है, तो ओ वर्ड जो है एज इंटरजेक्शन वर्ड हैं, ठीक है. और बहुत सारे इंटरजेक्शंस हैं. वोकैबुलरी क्लास में आपको मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेसेसरी वोकैबुलरी इंप्रूव कराऊंगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, या जो भी सेंटेंस आप बोलोगे, जो भी बात आप करोगे, उनमें से यही 8 वर्ड्स होंगे. अब हम देखते हैं कि अगर हम डिक्शनरी में देखें कि कौन वर्ड एज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें ये जरूरी याद रखना है कि डिक्शनरी सिम्बल्स है क्या. तो देखिए डिक्शनरी सिम्बल्स क्या, अगर आपके वर्ड पे डिक्शनरी में लिखा होगा एन, तो वो नाउन होता है, तो नाउन का डिक्शनरी सिम्बल एन है, प्रोनाउन का PRO है, वर्ब का वी है, स्मॉल में लिखा होगा, एडजेक्टिव का ADJ है, एडवर्ब का ADV है, कंजंक्शन का CONJ है, प्रेपोजिशन का PREP, ठीक है, और इंटरजेक्शन का INT. तो ये डिक्शनरी सिंबल्स हैं कि अगर आप कोई भी वर्ड डिक्शनरी में देखोगे, तो वहाँ पे आप ये सिंबल ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चलेगी कि वर्ड क्या है, ये एज वर्ब यूज़ हुआ है या एज नाउन यूज़ हुआ है. तो जिस तरह का सेंटेंस है उसी तरह का वैल्यू होगा उसका, वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा. तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिफरेंट वर्ड्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बोलता हूँ. उसके लिए हम आज यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. फिर से याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस आप बना लो, आप चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कुछ नहीं होगा. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है. राजू वर्क्स हॉट फॉर टाटा इन मुंबई, ओह ही अर्न्ड अ लॉट दिस ईयर. राजू बहुत मेहनत करते हैं टाटा कंपनी के लिए जो मुंबई में है, इन मुंबई, ओह क्या बात है, ही अर्न्ड अ लॉट दिस ईयर, उसने इतनी मेहनत की है वहाँ पे कि उसने बहुत कमाया है, ठीक है. अगर हम इन वर्ड्स को स्कैन करें, देखेंगे कौन वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसे पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए. पहला वर्ड हम लेंगे राजू. राजू इसमें क्या है, गेस कीजिएगा, नाम है, तो उसको हम एज नाउन का वैल्यू देंगे, ठीक है, ये नाउन है. वर्क्स यहाँ पे एक्शन उसकी है, तो वर्क्स जो है डायरेक्टली एज वर्ब यूज़ हो गया, ठीक है. हॉट दिखाता है किस तरह से काम करते हैं वो, ठीक है. हॉट के बारे में आपको मैंने बताया कि किस तरह से, ठीक है, वो एडवर्ब हो गया, तो हॉट जो है वो एडवर्ब हो गया. और फॉर टाटा के लिए उसको रिश्ता बनाता है, उसका रिलेट करता है, उसको रिलेट करता है टाटा के साथ, टाटा फैक्ट्री के साथ या कंपनी के साथ, तो फॉर वर्ड जो है वो प्रपोजिशन बन गया, ठीक है. और टाटा फिर से नाउन हो गया क्योंकि ये नाम है किसी कंपनी का, और इन फिर से उसको एज प्रपोजिशन यहाँ पे है, एज प्रपोजिशन यूज़ होता है, तो मुंबई फिर से नाउन हो गया, ठीक है. ओह ओह यहाँ पे ना हैरानगी जाहिर करता, तो ये डायरेक्टली एज इंटरजेक्शन यूज़ हो गया, ठीक है. और ही जो है वो राजू के बदले यूज़ हो गया. ही अर्न्ड अ लॉट दिस ईयर, उसने बहुत कमाया, तो उसने कौन हो गया यहाँ पे, उसने तो राजू हो गया, तो ही जो है यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन है राजू का, तो ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाउन के बदले यूज हो गया. अर्न्ड कमाया, यानी कि कमाया है उसने, तो यहाँ पे एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया. अ लॉट दिस ईयर, बहुत, तो लॉट एज एडवर्ब ही यूज हो गया ना. तो अ क्या है, इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, ये आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको बाद में बताता हूँ आर्टिकल क्या है, इस पर भी मैं क्लास दूंगा आपको. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है, अलग एंटिटी है. तो लॉट जो है किस तरह कमाया, अर्न लॉट, तो अर्न का कनेक्शन है लॉट के साथ, अर्न वर्ब है, तो लॉट जो है ये अर्न को ना सिग्निफाई करता है, डिटरमाइन करता है, तो किस तरह दिखाता है, वर्ब किस तरह से है. दिस ईयर, इस साल, तो दिस अगेन डिटरमिनर है, दिस एज एडजेक्टिव डिटरमिनर भी यूज़ हो सकता है, दिस ईयर, इस साल, ठीक है. तो दिस इज अ डिटरमिनर, डिटरमिनर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो दूसरे वर्ड पे असर डालता है. देखिए दो चीज़ मैं आपको यहाँ से फिर से रिपीट करूँगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. एडजेक्टिव डिटरमाइन करता है नाउन को, जैसे गुड बाय, ठीक है, नाइस प्लेस, गुड बाय और प्लेस नाउन है, गुड और नाइस जो है यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. नाइस डिटरमाइन करता है प्लेस को, ठीक है. गुड डिटरमाइन करता है बॉय को, तो एडजेक्टिव हमेशा डिटरमाइन करता है नाउन को, और एडवर्ब डिटरमाइन करता है तीनों को, वो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमाइन करता है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब टू एडवर्ब. जैसे वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब डिटरमाइन करता है. जैसे हम एक वर्ब लेंगे प्ले, हम फास्ट लगा सकते हैं एडवर्ब. एडजेक्टिव हम लेंगे, जैसे बिग है तो हम वेरी बिग बोल सकते हैं, कि किस तरह से बड़ा है तो हम बोलेंगे बहुत, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वेरी बिग. तो यहाँ पे एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आया. तो अगर हार्ड एडवर्ब हैं तो उसके साथ हम वेरी हार्ड लगा सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है हार्ड एडवर्ब हैं, तो अगर वेरी बिग एडवर्ब हैं, जैसे हमने वेरी बिग के साथ लगाया था, बिग के साथ वेरी लगाया था, तो वेरी ऑलरेडी एडवर्ब हैं, तो हार्ड भी एडवर्ब हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब प्लस एडवर्ब है. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हार्ड है, तो बहुत,
बहुत हार्ड है किस तरह हार्ड है बहुत हार्ड है ठीक है बहुत मजबूत है हार्ड का मतलब मजबूत तो बहुत मजबूत है ठीक है एडवर्ब प्लस एडवर्ब हो गया ठीक है पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एज अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कंजक्शन एंड प्रपोजिशन कंजक्शन एंड प्रपोजिशन बहुत सारे कंजक्शन एज प्रपोजिशन यूज़ किए जा सकते हैं और बहुत सारे प्रपोजिशन एज कंजक्शन भी दोनों यानी कि उनका कंजक्शन भी वैल्यू हो सकता है और उनकी सिग्निफिकेंस एज प्रपोजिशन भी हो सकता है इसी तरह एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है बहुत सारे एडजेक्टिव एज एडवर्ब भी यूज़ हो सकते हैं और बहुत सारे एडवर्ब जो है एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं ठीक है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज़ किए जा सकते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे द वर्ड प्ले कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब एज वेल देखिए प्ले मतलब हो गया खेलना तो ये एज अ वर्ब है अगर प्ले का मतलब हम खेल निकालेंगे तो ये एज अ नाउन है ठीक है देखिए द वर्ड ऑफिस इज अ नाउन ऑफिस का नाम है ठीक है ऑफिस का नाम ऑफिस हम बोलते हैं एज अ नाउन तो अगर हम ऑफिस ऐसे यूज़ करें तो एज नाउन है अगर हम ऑफिस के साथ ऑफिस बॉय बनाएं जैसे अगर हम ऑफिस बॉय बोलें तो ऑफिस एज क्वालिटी यूज़ होगी बॉय की कि वो लड़का है जो ऑफिस में काम करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफिस बॉय ठीक है तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो गया ऑफिस नाउन जो था तो इस तरह से हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं या एज यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की बात करें जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हॉट प्लेट हॉट प्लेट प्लेट नाम है और हॉट इसकी क्वालिटी है तो मजबूत प्लेट ठीक है लेकिन अगर हम बोलेंगे प्ले हॉट तो प्ले वर्ब है और हॉट यहाँ पे एडवर्ब है ठीक है तो ऊपर जो है हॉट जो है वो एज एडजेक्टिव यूज़ हो गया और नीचे जो हॉट है वो एज एडवर्ब यूज़ हो गया देखिए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ किए जा सकते हैं ये जानना ज़रूरी है और इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास और भी लेंगे वो कैपेबिलिटी बिल्ड अप करने के लिए तो ये मान लो आपकी अगर हमें ये देखना है कि कौन वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है उसके लिए आपको पूरा सेंस होना चाहिए कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का सेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है यूटिलिटी क्या है समझने की बात है ज़रूरी नहीं कि आप डेफिनेशन से याद रखोगे बस समझने की बात हो समझ लो नाउन क्या हो गया प्रोनाउन क्या हो गया अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गए तो जब आपको पूरी समझ होगी इस चीज़ की अब आप अगर आप सेंटेंस बनाओगे उसके बाद अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है या कौन सा पार्ट ऑफ एज पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो गया वहाँ पे तो वो आप कॉन्टेक्स्ट में ही जज कर पाओगे जब आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये चीज़ आप याद रख लो तो कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे जनरली पूछता हूँ आपके लिए मैं पाँच काउंट्स देता हूँ पाँच काउंट्स में आपको मैं पूछूंगा आंसर्स तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए तो जो वर्ड्स यहाँ पे हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है पहला वर्ड है चेयर सी एच ए आई आर चेयर चेयर क्या है अब जज करो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वन टू थ्री फोर फाइव नाउन है द वर्ड इज नाउन दूसरा वर्ड इन्फॉर्म इन्फॉर्म का मतलब है इतला करना खबर देना तो कौन सा वर्ड है वन टू थ्री फोर फाइव इन्फॉर्म वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन है जो भी वर्ड वर्ब होता है उसमें हिंदी में उर्दू में ना आता है लास्ट में जैसे चलना खाना पीना जागना ठीक है आप मीनिंग से भी जज कर सकते हो आप इसी वर्ड में से और एक वर्ड निकालेंगे इन्फॉर्मेशन वन टू थ्री फोर फाइव इन्फॉर्मेशन मीन्स इतला तो ये नाम है क्योंकि इतला का नाम है ना क्योंकि इतला जो है ये अपने आप एक नाम है तो इन्फॉर्म में काम है एक्शन है लेकिन इन्फॉर्मेशन इज इट्स इट कैन बी अ पेपर इट कैन बी अ न्यूज़ इट कैन बी एनी अदर रिपोर्ट ठीक है तो एज एन इन्फॉर्मेशन तो ये नाम है उस चीज़ का उस शय का उस एग्जिस्टेंस का तो ये नाउन जो है तो इस तरह का नाउन हो गया तो जिन वर्ड्स के लास्ट जो भी वर्ड्स के जहाँ भी वर्ड्स में लास्ट में T-I-O-N, शन आता है वो सारे नाउन्स होते हैं ये याद रख लेना नेक्स्ट वर्ड है प्ले वन टू थ्री फोर फाइव प्ले एज वर्ब भी यूज होता है और प्ले एज नाउन भी यूज होता है प्ले मतलब खेल भी और प्ले मतलब खेलना भी नेक्स्ट वर्ड विजिट वन टू थ्री फोर फाइव विजिट मतलब कहीं पे जाना सैर करना ठीक है चक्कर मारना कहीं पे तो यहाँ पे विजिट एज नाउन भी है एज वर्ब है विजिट मीन्स आपका विजिट बहुत अच्छा रहा ठीक है या आपका सैर बहुत अच्छा रहा ठीक है तो विजिट एज वर्ब यूज़ हो सकता है जैसे आई विजिटेड देयर मैं गया था वहाँ पे मैंने नज़र दी वहाँ पे मैंने सैर की वहाँ पे ठीक है टीचर वन टू थ्री फोर फाइव नाउन है नाम है टीच वन टू थ्री फोर फाइव टीच मीन्स पढ़ाना टीचर मीन्स पढ़ाने वाला नाउन है उस्ताद ठीक है और टीच पढ़ाना काम हु
हु का मतलब क्या हो गया हु का मतलब जो भी है हु का मतलब कौन भी है 1 2 3 4 5 हु जो है दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है ये प्रोनाउन है किसी इंसान के बदले यूज हो गया जो या कौन ये किसी नाम के बदले यूज होते हैं कि नहीं होते होते हैं ठीक है विच विच का मतलब क्या हो गया हु अगर इंसानों के लिए लगता है तो विच किसी भी चीज़ इंसान के लिए लग सकता है जानदार के लिए भी लग सकता है लिविंग के लिए भी लग सकता है नॉन लिविंग के लिए भी लग सकता है विच 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 भी हो गया जो भी कौन भी ठीक है तो क्या है 1 2 3 4 5 विच जो है इट्स अगेन अ प्रोनाउन ठीक है नामों के बदले लगता है तो देखो जूसी 1 2 3 4 5 इज एन एडजेक्टिव जैसे juicy fruits ठीक है या juicy mango juicy apple mango apple noun है और juicy उनकी quality बन गई तो ये adjective हो गया next word यहाँ पे है juice 1 2 3 4 5 juice noun है ठीक है next word है under 1 2 3 4 5 under is a preposition तो डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में देखो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी जितनी आपके पास वोकैबुलरी होगी उतना आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा ज़्यादा होगा लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सारी डिक्शनरी याद रखने की जरूरत नहीं आप फिर भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वोकैबुलरी है तो आप ज़्यादा पावर रखोगे अपने स्पीच पे अपने राइटिंग पे अपने रीडिंग स्किल्स पे तो इस तरह से आप दीजिएगा इजाज़त हो हमें हमारे नेक्स्ट क्लास तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास